स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद व्लॉग। तो सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया में ही है, तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हाँ, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 साल से कतर में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कतर में जॉब्स हैं या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी यूट्यूब्स पर लोग वीडियो बनाते हैं कि कतर में काम नहीं है। तो आज मैं उस सिलसिले में बताऊंगा कि कतर में वाकई ही काम है या नहीं है, या फिर आप जॉब कैसे ले सकते हो, कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो। तो हाँ, और यहाँ पर मिनिमम वेजेस क्या हैं, मतलब कि बाकी कंट्रीज से, मतलब जैसे कि सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, और कतर में मिनिमम वेजेस क्या है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एक मिनिमम वेज सेट की हुई, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि एक मिनिमम वेज होती है, तो यहाँ पर भी एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। तो उस वेजेस से ना ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन उस वेजेस से ये कम आप लोगों को सैलरी नहीं दे सकते। तो आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर एक लेबर कितना अर्न कर सकता है और कितना सेव कर सकता है, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस कितना आता है। तो यहाँ पर जो कि मतलब कि आप फॉर एग्जांपल लगा लो, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट से आप लोग रह जाओगे। तो इस वीडियो बिल्कुल आप लोगों को लगेगा ये फेक है, किस कोई फेक नहीं है, हर किसी का रिलेटिव कोई ना कोई बाहर बैठा होता है, वो बंदा पूछ सकता है कि कतर में कितनी अर्निंग है और कितना आप अर्न कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बनाई हुई है ना, वो है 1000 रियाल प्लस 300 फूड अलाउंस। मतलब के मिनिमम आप लोग अगर किसी लेबर कैटेगरी में भी काम करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 1300 रियाल, मतलब के 1300 रियाल मिलेगा। उससे नीचे आपको कोई भी एम्प्लॉयर नहीं दे सकता, इससे आप दे सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं दे सकते। तो मतलब के आप जॉब की बात करें तो यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बंदा ढूंढने वाला हो जॉब मिल जाती है बहुत इजीली। कुछ जॉब सर्चिंग टूल्स हैं, जैसा कि इंडीड हो गया, लिंक लाइन हो गया, मैं साथ आप लोगों को लगा भी दूंगा जो कौन सी मतलब कि कतर में वेबसाइट चलती हैं, आप खुद अपनी कंट्री में बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को इजीली जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर हाँ, कतर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी मतलब के हैं, और कतर आप लोगों को पता है वैसे भी मतलब के मिडल ईस्ट का वेगस माना जाता है, और मतलब के अभी रिसेंटली इसमें फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है, एशिया कप भी हुआ है, तो कतर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंट्री भी है। तो आप यहाँ पर इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यार, जॉब सर्च करने का ये है कि अब ज़्यादातर पाकिस्तानी बोलते हैं कि कतर में जॉब्स नहीं है, यार जॉब्स मिलती हैं अगर इंटरव्यू बंदा सही दे, मतलब कि अपना सही पर्सनैलिटी में जाए, लुकिंग में जाए। अब हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कपड़े पहनकर, शलवार कमीज पहनकर इंटरव्यू पर चले जाते हैं, और आगे इंटरव्यू लेने वाला होता है यूरोपियन बंदा। तो अब ना तो हमारे पाकिस्तानी उसको इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती है कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सके। तो भाई, यहाँ पर जॉब मिलती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ज़्यादा आप लोग अर्न भी कर सकते हो। मिनिमम जो मैंने आप लोगों को वेज बता दी है, वो कतर की मिनिमम वेज जो है वो 1300 रियाल है, मतलब 1000 प्लस 300। इससे ऊपर आपको मिल सकती है, लेकिन इससे नीचे आपको नहीं। ये तकरीबन पाकिस्तानी 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 बन जाती है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में भी आते हो तो आपको मिनिमम 1500-2000 रियाल तक सैलरी मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को आगे इसमें ये भी बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर जॉब कैसे हिट कर सकते हो और जॉब कैसे सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।